हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान पार्क। दोस्तों, एसएससी जेई वालों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है दोस्तों, बिकॉज एसएससी ने एक ऐसा बदलाव किया है जो एसएससी के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। और अब कोई भी अपने रिजल्ट जब भी आंसर की जाएगा, आंसर कीज के बाद जब रिजल्ट आउट होगा और कट ऑफ बनेगा, तो कोई भी अब कंप्लेन नहीं करेगा कि मेरा पेपर टफ आया था, मेरे को मार्क्स में मुझे कम मिले या कुछ भी ऐसा। क्योंकि दोस्तों, अब एसएससी ने जो बदलाव किया, वो सबसे बड़ा बदलाव ये है कि एसएससी जो है अब नॉर्मलाइजेशन करेगा किसी भी एग्जामिनेशन में जिसमें मल्टीपल पेपर्स होंगे। तो चलिए दोस्तों, इससे जानने के लिए आपको सबसे पहले एसएससी के होम साइट पे आना होगा, जो मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन आई थी वो 7 फरवरी को आई थी। दोस्तों, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं कुछ बिजी था अपने पर्सनल लाइफ में, इसीलिए मैंने आपको ये न्यूज़ आपको पहले प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन अभी भी कुछ खास देर नहीं हुई है, जस्ट 2 डेज ही लेट हुआ है। तो दोस्तों, इसके लिए आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आएंगे तो आप यहाँ देख सकेंगे कि 7 फरवरी को नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड एक नोटिस आया था, जिसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि एसएससी ने सीधे सीधे बोला है कि जो कमीशन के जितने भी पेपर्स होंगे, जिनमें मल्टीपल अगर शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन पेपर जो सेट किए जाएंगे, उनमें क्या है कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो होगा उसमें ऑन द बेसिस ऑफ जो फंडामेंटल एजम्पशंस, जो भी फार्मूले जो होते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि MIJ इक्वल टू MT^g माइनस MQ^g। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MIJ जो होगा कि मान लीजिए किसी शिफ्ट में आई शिफ्ट में जे कैंडिडेट है, तो उसकी क्या नॉर्मलाइजेशन मार्क होगी, सारी चीज़ें इस फार्मूले के अंदर पुट कर वो दिया जाएगा। इसे आपको इसमें दिमाग लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सारा काम SSC का है और वो खुद करेगा। बस आपके लिए फ़ायदे वाली ये बात है कि अब जो पहले लोगों को लगता था कि यार मेरा पेपर शिफ्ट में जो है आसान आ गया, और किसी को लगता था कि उसका टफ़ आ गया, तो दोस्तों अब क्या है कि अगर किसी का टफ़ आया होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा और सबको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और इससे कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी, और एक तरह से काफ़ी बड़ा राहत है लोगों के लिए। हर कोई ब्लेम करता था, कंप्लेन करता था कि SSC ने कोई स्कैम कर दिया, उसके मार्क्स नहीं आए, उसके पेपर शिफ्ट में उसका हार्ड बना दिया, उसका आसान बना दिया, ईजी बना दिया। तो दोस्तों, सारी चीज़ें जो है SSC ने अब ये सुधार कर लिया, और एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि दोस्तों, जो भी स्टैंडर्ड एग्जाम थे, जैसे RRB JEE का, GATE का या ES का, सब में नॉर्मलाइजेशन होता था, बट SSC में नहीं होता था, जो काफ़ी एक बहुत बड़ी डीमेरिट थी, जिसे अब SSC ने भी इम्प्रूव कर लिया। और ये भी अब जितने भी एग्जाम्स कराएगा सब में जो है नॉर्मलाइजेशन फॉलो करेगा, जिसमें मल्टीपल शिफ्ट में पेपर्स होंगे। तो दोस्तों, यही एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जिसे मुझे आपको बताना था, और सॉरी अभी मैं अगेन कहता हूँ अगर मैंने लेट कर दिया, मुझे आपको पहले ही बताना चाहिए था, बट एक्चुअली मैं बिजी हो गया था किसी इम्पॉर्टेंट काम में। तो दोस्तों, अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के मैं अपकमिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ, जिसमें आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, हैव अ गुड डे।